वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेड फैक्शन आर्मेजेडोन गेम प्ले का इंट्रो एंड इसके मेन मेन वेपन्स कौन से हैं। तो अगर मैं गेम के इंट्रो की बात करूँ, ये ऑलरेडी मैं गेम प्ले कर चुका हूँ पहले ही, और मेरी एक प्लेलिस्ट भी, अगर आपको गेम प्ले देखना हो तो उधर आप जा सकते हैं। बात करूँ मैं इसके इंट्रो की, ये गेम क्या है, तो ये एक थर्ड पर्सन शूटर गेम है, और इसका स्टार्टिंग होती है मार्स में, जहाँ पे टेराफॉर्मर नामक एक डिवाइस होता है जो मार्स को लोगों के रहने लायक बनाता है। बट उधर होता क्या है कि उस टेराफॉर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कैटास्ट्रॉफिक इवेंट क्रिएट हो जाता है और एलियंस निकल के बाहर आने लगते हैं। तो इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है डेरियस मेसन और उसकी एक गर्लफ्रेंड कारा। तो इन दोनों की जिम्मेदारी होती है कि जो पहले प्रीवियस जो एनवायरनमेंट था मार्स का लोगों के रहने लायक, उसको बनाना। तो ये गेम पूरा इसी में, इसी के इसी इसी मूवमेंट में इन्वॉल्व रहता है, और नए नए एलियंस आते हैं, आपको वॉकर मिलते हैं, रोबोट रोबोट में आप बैठते हो, अलग अलग वेपन्स मिलते हैं आपको। तो ये जो अभी आप देख रहे हो वो गेम का एक इंटरफेस है। तो मैं आपको इसके अलावा बताता हूँ कि इसमें वेपन्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो वेपन्स के ऊपर ही बनाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं वेपन्स कौन कौन से हैं। तो हम वेपन्स के इंटरफेस पे आ गए हैं। ये इन्वेंट्री है, ये मॉल होता है एक, ये मैग्नेट गन हुआ, ये पिस्टल्स हुए, शॉट गन है हमारे पास, चार्ज लॉन्चर है, एसॉल्ट राइफल, प्लाज्मा कैनन, बेंशी, नैनो राइफल है, रॉकेट लॉन्चर, आर्क वेल्डर, चलो अब दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे वेपन्स यूज होते हैं। तो अगर मैं मॉल की बात करूँ तो ये तोड़ने फोड़ने के काम आता है, ये काफ़ी हैवी वेपन है, तो ये चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे ये देखिए, क्योंकि मैं इसे दोबारा रीडिस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ तोड़ के दिखाई। अब हम दूसरे वेपन पे आते हैं, ये है मैग्नेट राइफल और मैग्नेट गन। इसमें मैग्नेट गन में क्या होता है कि हम किसी भी सरफेस पे पहले टारगेट करते हैं, एंड देन फिर दूसरा टारगेट जहाँ पे करते हैं वहाँ पे वो अट्रैक्ट होके जाता है, यानी चीज़ों को ये डिस्ट्रॉय करता है। अट्रैक्शन फोर्स सेकेंड टारगेट पे अप्लाई करता है। जैसे देखिए, मैंने घर पे पहले किया, एंड देन फिर पहाड़ों पर किया, तो वो पूरा सारा चीज़ खींच के वो पहाड़ों पर ले गया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसे जितने भी एलियंस आते हैं हम उसको एलियंस पे भी ट्राई कर सकते हैं। अब बात करूँ कि पिस्टल्स की, तो ये पिस्टल्स को ट्राई करके देखते हैं। इसकी एक्यूरेंसी काफ़ी अच्छी होती है एसॉल्ट राइफल के मुकाबले, बट हमें इसमें गोलियाँ कम मिलती हैं। जैसे आप देख सकते हो 24 हुआ, या ज़्यादा से ज़्यादा हम लेंगे तो 50 के अराउंड। चलो भैया, अब तो गोली खत्म हो गई। अब हम लेते हैं शॉटगन। शॉटगन नॉर्मल है, सबको पता होता है कि क्या है, बट हाँ इसका ये होता है कि दो दो गोलियों में जो है कोई भी एलियन डिस्ट्रॉय हो जाता है। चार्ज लॉन्चर थोड़ा ठीक है। इसमें क्या होता है, जब हम चार्ज फेंकते हैं ना, तो वो चार्ज उधर जाके चिपक जाता है, एंड देन फिर हमारे पास डेटोनेट करने का टाइम होता है। जैसे ये देखिए, मैं आर प्रेस करता हूँ तो वो डेटोनेट होता है, मैंने जहाँ पे फेंका वो उधर जाके स्टक हो गया, एंड देन फिर आर प्रेस करता हूँ तो डेटोनेट हो जाता है। तो मुझे पता है जहाँ पे बहुत सारे एलियंस हैं वहाँ पे मैं फेंकूँगा, वहाँ पे स्टक हो जाएगा, और फिर मैं अपने अकॉर्डिंग जब वो मेरी तरफ आने लगेंगे
तो फिर मैं एक तरीके से माइंस की तरह यूज करूंगा। फिर ये असॉल्ट राइफल है। अब असॉल्ट राइफल में हमारे पास काफी ज्यादा कैपेसिटी होती है, मैगजीन भी हम बढ़वा सकते हैं। इसकी कार्टेज की साउंड बहुत अच्छी लगती है जब ये एम्प्टी हो जाता है। अब ये प्लाज्मा कैनन देखो आप। ये पूरा प्लाज्मा का एक बॉम्ब की तरह फेंकता है और उसको पूरे जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये भी एक अच्छा वेपन है, बट चूंकि ये बहुत कम मिलता है तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा पसंद नहीं करता। मैं जानबूझ के ये चीज़ें बना रहा हूँ दोबारा, क्योंकि मैं दूसरी गन आपको दिखाऊंगा डेमो, तो उसको मुझे डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। चलो भाई हो गया, दूसरा गन देखते हैं। देखो एक और शॉट, जैसे पूरा डिस्ट्रॉय किया ना। अब बेंशी देखते हैं, इसका डैमेज बहुत तगड़ा होता है। बट यही है, इसकी भी गोलियां हमें ज़्यादा नहीं मिलती हैं, तो इसलिए ये भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। देख सकते हैं इसके जब बुलेट्स लगती हैं तो कितने ज़्यादा हार्ड शॉट्स होते हैं। ये हमारा आता है नैनो राइफल, ये बहुत अच्छा गन लगता है मुझे एंड मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। आपको मैं इसका डेमो दिखाता हूँ अभी, पहले मैं इसको बनाता हूँ, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं फिर बताते हैं। देखिए तो ये मेरा ऑलमोस्ट रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब मैं आगे आपको जाके दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आगे जाऊँगा तो एलियंस आते हैं उधर, फिर वो फाइटिंग वाला सीक्वेंस आ जाता है। अब मैं इसको चला रहा हूँ, देखिए तो इस गन को जैसे भी चलाते हैं वो पूरे पार्टिकल्स में इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो एलियन हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो। बट हाँ, सब तरह के की एलियंस पे ही यूज़ हो ये ज़रूरी नहीं है। छोटे मोटे एलियंस होते हैं उनको ये पार्टिकल बना देता है एक ही शॉट में। अभी जैसे मैं फिर रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको बार बार डेमो दिखाना है, तो मैं डिस्ट्रॉय करता हूँ उसको और फिर रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ। अब मैं आपको दूसरा गन दिखाता हूँ। अब रॉकेट लॉन्चर पे आते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि कोई भी एलियंस या टारगेट होता है वो मूवेबल होता है, तो इसमें हमारे पास चांसेस होते हैं, ये ऑटोमेटिकली ना टारगेट कर लेता है कोई भी एलियंस को, तो आप जहाँ पे भी शॉट करोगे ना वो ऑटोमेटिकली वो उधर सीक करके उधर ही जाएगा रॉकेट। तो ये एक तरीके से कहने का है कि जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो बहुत जल्दी शॉट करता है वो। अब प्लाज्मा बीम देखिए, ये क्या करती है, ये भी पार्टिकल बनाती है, बट ये बीम में होती है, मतलब आप बीम की तरह जब यूज़ करोगे ये देखो पार्टिकल्स होते जा रहे हैं। तो कोई भी एलियंस हो तो इसको आपको ऐसा नहीं है कि एक शॉट मारा वो ख़त्म हो गया, आपको बीम उसके ऊपर थ्रो करते रहना पड़ेगा। अब आते हैं पल्स ग्रेनेड पे।
ये थोड़ा ठीक वेपन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जंप करके जो है जाता है तो इसका कुछ पता नहीं है कहाँ फट जाता है। तो जैसे आपका टारगेट मूवेबल है, बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है और आप उधर मारोगे, तब तक वो टारगेट हट चुका होगा उधर से, बट ये इम्पैक्ट काफ़ी देता है। तो ये मुझे कुछ ज़्यादा सही नहीं लगता, क्योंकि ये एक्यूरेट टारगेट एक्वायर नहीं करता। अब देखो, जैसे मैंने इतने सारे टारगेट पे शॉट्स किए हैं, वो देखोगे कि कहीं पे भी कुछ भी जंप कर जाता है। ये रेल ड्राइवर बहुत अच्छा गन है, मैं आपको इसके यूसेज भी आगे दिखाऊंगा। इसमें स्नाइपिंग टाइप का फील आता है और एक शॉट में ही ज़्यादातर एलियंस जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उसकी फील भी थोड़ी काफ़ी अच्छी आती है, जैसे सोनिक वेव निकल रही हो और एंड देन फायर्स कर रही हो बॉडी को। अब जैसे मैं आगे जाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि आगे एलियंस आएंगे कुछ। अब हम आते हैं सिंगुलैरिटी कैनन पे। ये मेरा सबसे फेवरेट वेपन है, और इसकी एक ख़ास बात है, ये जहाँ पे भी आप सिंगुलैरिटी वेपन को यूज़ करते हो, वहाँ पे ये ब्लैक होल बना देता है और फिर उसको ब्लास्ट कर देता है। तो जो भी चीज़ होगा उसके अंदर पहले चला जाता है और डिस्ट्रॉय कर देता है एक बार। तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और ज़्यादातर बड़े बड़े एलियंस जो आपको मिलेंगे ना, जो जल्दी आपके किसी राइफल या गन से डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते या मर नहीं पाते, वो इसी से जाएंगे। इसकी फील देखो कितनी अच्छी है, जहाँ पे जाता है पहले ब्लैक होल बनता है एंड फिर डिस्ट्रॉय होता है। और इसकी साउंड देखोगे तो, साउंड सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा, फील आती है इस वेपन में। अब ये है आर्क वेल्डर, अब इसमें तो ये पता नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कोई टारगेट नहीं है। जब जैसे ही एलियंस आते हैं तो ये इसके जो रेज होते हैं ना, ऑटोमेटिकली उसको कैप्चर कर लेते हैं, और जैसे तीन टारगेट्स हैं तो वो तीन टारगेट्स पे तीन रेज निकल के जाते हैं और उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैं आपको आगे अभी दिखाता हूँ, इसका थोड़ा सा प्रीव्यू दिखाता हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाए ये कैसे काम करता है। ऑलमोस्ट लगभग सारे ही वेपन्स आपको पता लग जाएंगे, और आपको अगर और ज़्यादा पता करना हो तो गेम प्ले देख सकते हैं आप इसी का। रेड फैक्शन आर्मेगेडॉन ऑलरेडी है मेरे प्लेलिस्ट में, तो उसको आप देख सकते हो। देखो, अब मैं आगे गया तो इधर देखो एलियंस आ गए। ये वाला राइफल ऐसे काम करता है, एक शॉट में काम करता है। अब ये है सबसे खतरनाक वाला एलियन, देखो अब इतनी दूर से ही ये मेरे ऊपर थ्रो कर रहा है अपना। इसकी कैपेसिटी देखो इस गन की कितनी ज्यादा है, उसी लेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया बहुत ही। इससे एक्स-रे विजन दिखाता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। इसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। हमारे पास इस गेम में सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है कि हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कोई भी चीज़ों को। डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
बॉल बॉल हो गया। दौड़ते दौड़ते बिल्कुल पता नहीं लगता है कि आगे क्या होने वाला। अब सबसे बड़ा जो एलियन है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना हूँ, ये है, ये बहुत ही खतरनाक है, ये जल्दी मरता नहीं है। अब मैं इससे देखिए कितनी गन मारी मैंने इसको, पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हुई, लेकिन पार्टिकल गन इस पर काम ही नहीं करती। इसको नैनो राइफल बोल रहा हूँ मैं। मैं दूसरे एलियंस पे अगर इस राइफल को अटैक करूँगा तो देखो वो कैसे पार्टिकल में वो हो जाता है कन्वर्ट। देखो एक बार में गया ये बंदा, दूसरे जितने भी आएंगे एक बार में डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। कुछ कुछ तगड़े वाले होते हैं वो होते नहीं हैं, जैसे ये है वो मोटा वाला, तो मैं मारते रहूँगा इसको, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें मैं सिंगल वेपन ही यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। बट इस टाइम मेरे पास सिंगुलरिटी वेपन है नहीं, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था नैनो पार्टिकल्स वाला, तो इसलिए मैं यही गन लेता हूँ। और गन हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते कभी, गन हमारे पास जो सेटअप होता है ना जहाँ से हमें गन मिलती है वहीं पर जाके हम चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें कब किस गन की ज़रूरत है। अब मैं मरने वाला हूँ, मुझे मेरे पास गोलियाँ नहीं है, वो एलियन मेरी जान लेने पे लगा। मुझे डिस्टेंस इंटीग्रेट कर दिया